तो दोस्तों पालक की सब्जी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आयरन कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आज हम इसी की सब्जी बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने छोटे पत्ते वाली पालक ली हुई है, इसे हमारे यहाँ चिरवा पालक बोलते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से चेक कर लिया कि कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है या घास फूस तो नहीं है। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि पहले इसको हम वॉश कर लेंगे तो मुलायम सी हो जाएगी और वो इसको काटने में दिक्कत मिलेगी, लेकिन इसको इसके बाद बहुत अच्छे से वॉश कर लेना। वैसे तो हरी सब्जियों को बाद में नहीं धुलना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ सही सब्जी नहीं आ रही है, थोड़ा सा इनको धुलना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने बातों ही बातों में इसको कट कर लिया और अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से बहते हुए पानी में वॉश कर लेंगे। तो चार पांच पानी में वॉश करना है, तो मैंने बढ़िया से देखिए वॉश कर लिया और क्लीन कर लिया, और ये अब सब्जी बनाने के लिए परफेक्ट है और बढ़िया सी सब्जी इसकी बन करके तैयार होगी। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मटर ली हुई है। आजकल बहुत बढ़िया मटर आ रही है और मटर भी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, तो दोनों की साथ सब्जी बनाते हैं। अब हम एक कढ़ाई रखते हैं, इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो मैंने 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया, ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं हींग। हींग ज़रूर डालें इस सब्जी में, इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। साथ में ये हरी पत्तीदार सब्जियाँ जो होती हैं वो वायु विकार करती हैं, तो इसमें भी फायदेमंद है। इसमें हम डाल देते हैं लहसुन और प्याज। तो इन सबको मैंने बारीक कट कर लिया है और अब प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, जिस तरीके से अन्य सब्जियों के लिए भूना जाता है। हमें काला नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही भूनना है। तो आप देखते रहिए मैंने किस तरीके से इसको भूना है। आप देख सकते हो कि इसका कलर थोड़ा सा कुछ इस तरीके का हो गया है, तो बस इतना ही हमें भूनना था। इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच जितना बेसन। यदि आप पहले बेसन डाल देते हो तो ये बढ़िया से भुन जाता है और इसमें बहुत बढ़िया खुशबू आने लगेगी। तब तक इसे हमें भूनना है। बिल्कुल अलग तरीके की सब्जी है, एक बार आप ज़रूर बनाएं। तो आप देख सकते हो कि बबल से उससे उठने लगे हैं और इसमें प्याज भी हमारा थोड़ा सा और भुन गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कम भुना था प्याज, और बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो बस इसी तरीके का हमें भुनना था। अब इसमें हम मटर डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, क्योंकि ये अभी तली में चिपकने लगेगा, इसलिए गैस का फ्लेम लो कर देना है और थोड़ा सा मटर को भून लेते हैं। बाद में इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। तो मैंने एक टमाटर लिया हुआ है, ये बड़ा टमाटर था, और यदि आप छोटे छोटे ले रहे हो तो 2 ले सकते हो। अच्छे से इसको मैंने बारीक कट कर लिया था और इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम पका लेते हैं थोड़ा। तो नीचे से खुरचते हुए हम पकाएंगे, जिससे कि ये बेसन जो है तली में लगे ना। वैसे आप चाहें तो इस तरीके से यदि नहीं बनाना चाहते हो तो आपके पास भुना बेसन यदि रखा हो तो वो डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास इस समय भुना बेसन नहीं था तो मैंने इसी में अच्छे से भून लिया। बराबर चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। तो अब इसमें हम ये पालक डाल देते हैं। ये 500 ग्राम पालक थी और ये चिरवा पालक है, जिसे छोटे पत्ते वाली भी पालक बोलते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, और जो बड़े पत्ते वाली पालक होती है उसमें एक अलग सा फ्लेवर होता है, जो कभी कभी किसी को कम पसंद आता है, पर इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। आप इसको बना सकते हो, साथ में ये भी सेहत के लिए उतनी ही फ़ायदेमंद है जितनी बड़े पत्ते वाली। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं कुछ इस तरीके से चलाते हुए। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया और इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ेगी, साथ में जो मैंने टमाटर डाले हुए हैं वो भी पानी छोड़ेंगे। सब्जियां पानी छोड़ती हैं, इसलिए इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि आप डालना चाहें तो डाल सकते हो। तो हम बताएँगे कि कब आपको इसमें पानी डालना है। अभी हालाँकि हमें इसे अच्छे से इसी तरीके से भून लेना है। थोड़ी सी ये देखिए कम होती जा रही है, जैसे जैसे पालक पकेगी वैसे ये थोड़ी सी कम हो जाएगी और अच्छे से पकने लगी। अब इसमें हम 1/4 चम्मच जितनी हल्दी डाल देते हैं, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यदि आप ना डालना चाहें तो ना डालें। 1 चम्मच भर करके इसमें हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना गरम मसाला, और इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये थोड़ा कड़वा कम होता है। तो इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो नमक इसमें थोड़ा कम ही पड़ता है, क्योंकि पालक की सब्जी में ज़्यादा नमक नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही डालें। आप कैसा पसंद करते हो नमक उस हिसाब से डालें।
अच्छे से मसालों को मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसे भून लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, आप देख सकते हो कि सब्जी ने पूरा पानी छोड़ दिया है और सब्जी कुछ इस तरीके की हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ढक करके इसको पकाएंगे 2 मिनट तक। बीच में इसको हम एक बार चेक कर लेंगे जिससे कि ये तली में लगे ना। तो आप देख सकते हो कि 2 मिनट बाद सब्जी हमारी कुछ इस तरीके से पक गई, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से पकी नहीं है क्योंकि पालक पकने में तो समय नहीं लगता, लेकिन मटर थोड़ा देर में पकती है इसलिए थोड़ी देर इसे पकाना पड़ेगा। फिर हम ढक देते हैं और ढक करके इसको 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे जिससे कि तली में लगे ना और इसका स्वाद ख़राब ना हो। आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़िया आया है। और अच्छे से इसको थोड़ा सा मैश करके पका लेते हैं क्योंकि कभी कभी कोई बड़ी पत्ती होती है वो देर में गलती है, और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए इस सब्जी को पका लिया है और ये कुछ इस तरीके से पक करके तैयार हो गई। लेकिन अभी ये देख इसको चेक कर लेते हैं कि मटर अभी अच्छे से पक गई है कि नहीं पक गई है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि मटर थोड़ी सी अभी कम पक कसर बाकी है और कम पकी है, तो थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और इसको हम पका लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो कि सब्जी का कलर कुछ इस तरीके से आया है और 2 मिनट के लिए इसको और हम पका लेते हैं। 2 मिनट में ही ये सब्जी अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है और ये सब्जी कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुई है। आप चाहे तो इसमें पानी डाल करके पका सकते हो, यदि थोड़ी पतली ग्रेवी चाहते हो तो। इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब एक हम तड़का पैन लेते हैं और हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने देसी घी लिया हुआ है, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़िया हो जाएगा और ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। इसमें हम डाल देते हैं अदरक, क्योंकि लहसुन हम पहले ही डाल चुके हैं। और अब हम इसमें जीरा डाल देते हैं। मैंने सब्जी में पहले जीरा नहीं डाला था, अब डाला है। अच्छे से इसको चटकने देते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लहसुन और डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, ज़्यादा अदरक नहीं भूननी है क्योंकि फिर इसमें कड़वापन आ जाता है। और इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। आप देख सकते हो कि ये सब्जी परफेक्ट हमारी बनकर के तैयार हो गई। इसमें हम लाल मिर्च डाल देते हैं। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च ना डालें। और अब थोड़ा सा गैस ऑन कर देते हैं क्योंकि मैंने बंद कर दी थी, और इसको बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पूरा फ्लेवर इस सब्जी में आ जाएगा और सब्जी हमारी बहुत बढ़िया बन करके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये सब्जी बना सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया सा कलर आया है और बहुत ही बढ़िया सब्जी बन करके तैयार हो गई है। तो दोस्तों, यदि इस तरीके की सब्जी बनाते हो तो हेल्दी भी है, साथ में खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। इस सब्जी को आप पूड़ी, रोटी, पराठा के साथ खा सकते हो, खासकर चावल के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों, यदि ये हमारी पालक और मटर की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। दोस्तों, आगे आप कौन सी रेसिपी देखना पसंद करते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हो ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।